सीएंटर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर पेपर नंबर 6B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पे हमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक ही प्रीरिक्विजिट है बिफोर वी एंटर इनटू दिस पेपर, कंटेंट का अवेयरनेस होना चाहिए, तो सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो लेकर प्रभु का नाम, लेट स्टार्ट विद आवर पेपर। देखो, स्वास्थ्य एक राइजिंग स्टार है हेल्थ केयर सेक्टर में, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को बहुत ही स्मार्टली फॉलो कर रहे हैं। एट स्वास्थ्य द कंपास गाइडिंग देयर एंडेवर्स इज कंपेलिंग थॉट। बेसिकली दे वॉन्ट टू इमर्ज एज द फाइनेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टॉप नॉच हेल्थ केयर सर्विसेज ये देना चाहते हैं जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो पीपल प्लेस अ पिवोटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी। दे आर इंटरेस्टेड विद ट्रांसलेटिंग दिस विजन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है, हम उसे विजन कहते हैं। अब जहां पे वो पहुंचने की सोच रही है, उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो क्या कर रही है, ये कहलाया जाता है मिशन। मिशन एंड विजन के बीच में जो बेबी स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो दे आर इंटरेस्टेड विद ट्रांसलेटिंग दिस विजन इनटू टेंजिबल आउटकम्स एट द ग्रास रूट लेवल, ensuring that local operations are aligned with grand aspirations of becoming a healthcare leader. मतलब पूरी दुनिया में ये छाना चाहते हैं in healthcare sector. अब ये पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, why is the focus on local operation essential for swastha in the context of their long-term objective and how does it contribute to their overall strategy? So option C is the correct answer. It translates the organization's vision into tangible outcomes and align with their long-term objectives. यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। They are entrusted with translating this vision into tangible outcomes at the grassroots level, ensuring that local operations are aligned with grand aspirations of becoming a healthcare leader. ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया। स्वास्थ्य बहुत ही ध्यान से काम कर रहा है हर एक पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। जैसे कि जब भी मैं अपॉइंटमेंट बुक करूं, कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं अगर कोई टेस्ट करवाने के लिए गया तो टेस्ट रिजल्ट तुरंत मिल जाए विद इन 24 आवर्स। एवरी फैसेट ऑफ हेल्थ केयर जर्नी इज स्क्रूटिनाइज। सिंपल सा बात है, मैं हर छोटे से छोटी बात पर ध्यान दे रहा हूं जिससे पेशेंट का एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेस्ट हो। स्वास्थ्य स्ट्रेटेजी इज नॉट मेयरली अबाउट बींग अ प्लेयर इन द मार्केट। ये लोग बिजनेस केवल करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग लीडर बनना चाहते हैं। दे प्रोएक्टिवली रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टेंट इनोवेशन दैट कुड डिसरप्ट देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। टू काउंटर दिस, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वैल्यू एडेड ऑफरिंग सच एज टेलीमेडिसिन, वेलनेस प्रोग्राम। कोई भी टेक्नोलॉजिकल थ्रेट जो आने वाला है, उसे पहले ही ये लोग प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, और अकॉर्डिंगली दे आर ऑफरिंग वैल्यू एडेड ऑफरिंग सच एज टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस प्रोग्राम। दिस एडिशन नॉट ओनली मिटिगेट द रिस्क, मतलब रिस्क को कम नहीं करता, बट ऑल्सो फोर्टिफाइज देयर लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, मतलब आगे ये लोग बिजनेस काफी सालों तक कर पाएंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो ये पैरा नंबर 2 रीड करके भी हमारा एक सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, हाउ डज स्वास्थ्य काउंटर द रिस्क पोज्ड बाई कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड डिसरप्शन इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो टेलीमेडिसिन
एंड वेलनेस प्रोग्राम्स ये लोग इंट्रोड्यूस किए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यही मैंने यही हमने देखा कि दे प्रोएक्टिवली रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टेंट इनोवेशन दैट कुड डिसरप्ट देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। टू काउंटर दिस दे इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड ऑफरिंग सच एज टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, बियॉन्ड कॉम्पिटिशन, ये लोग पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देना चाहते हैं, पेशेंट की सेफ्टी पर भी पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। स्ट्रिंजेंट हाइजीन प्रोटोकॉल्स, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं उनका रेगुलर मेंटेनेंस होता चला जाए, और हेल्थ केयर रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसका भी पालन हो, फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर बिजनेस। इन पैरेलल द ऑर्गेनाइजेशन मेटिकुलसली, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से अंडरटेक्स करते हैं रेगुलर असेसमेंट एज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इट्स डिसीजन मेकिंग एपरेटस। दिस फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज एनकंपासेस आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग पोटेंशियल रिस्क सच एज रेगुलेटरी चेंजेस, मेडिकल मैल प्रैक्टिस वल्नरेबिलिटीज और शिफ्ट इन मार्केट डायनामिक्स। कहने का मतलब यह हो गया कि इन्वायरमेंट हाईली डायनामिक होता है, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल चेंजेस आते ही रहते हैं, तो उनको हम लोग पहले ही समझ ले क्या रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, हमारे लाइन में क्या मैल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, मार्केट डायनामिक्स में क्या कोई शिफ्ट है कि नहीं, इन सबको हम समझ रहे हैं। The implementation of swasthya strategy is steered by the McKinsey 7S model, जिसमें तीन hard elements होते हैं और चार soft elements होते हैं। Hard elements कौन-कौन से हैं? Strategy, structure, system, और soft elements हैं आपके shared values, skills, style and staff। ये ensures करता है एक harmonious, मतलब comprehensive alignment of seven critical elements: स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। इट एम्फसाइजेस दैट द सक्सेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज कंटिंजेंट ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दीज सेवन एलिमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सातों के सातों एलिमेंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चलना जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। री इन्फोर्सिंग द आइडिया दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कंपार्टमेंटलाइज प्रोसेस नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है, यही मैंने यहां पर लिख दिया था। तो यह पैराग्राफ पढ़ के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। देखो, व्हाई इज मैकेंजी 7S मॉडल सिग्निफिकेंट इन स्वास्थ्य स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड विच एलिमेंट ऑफ द मॉडल एंश्योर करता है होलिस्टिक, मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव अलाइनमेंट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। तो सातों के सातों एलिमेंट अगर कॉम्प्रिहेंसिवली चलेंगे, हार्मोनियसली चलेंगे, तो ही स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल होगी। तो इट इंश्योर्स द कॉम्प्रिहेंसिव अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य स्ट्रेटेजिक जर्नी Through India's healthcare landscape is a testament to the seamless integration of core management concepts, guiding its actions and strategies while keeping the vision and intent at the core. तो सवालों को पढ़ते पढ़ते ही हमने 5 में से 3 MCQ तो सॉल्व कर लिया। So based on the above case scenario, answer the multiple choice question. तो question number 2 खत्म, question number 3 खत्म and question number 4 भी complete. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द केस टॉक्स अबाउट स्क्रूटिनी ऑफ एवरी फेसेट ऑफ द हेल्थ केयर जर्नी एंड आल्सो एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट पीपल जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन दिस जर्नी। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट टू प्ले हियर टू एंश्योर द सेंस ऑफ कस्टमर फर्स्ट इज इंबाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ सवाल का कि हम जानते हैं देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। कौन सा वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है
जो ये एंश्योर करता है, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है और कस्टमर के लिए एक्चुअली वो काम भी करता है। देखो, चाहे मैं टॉप लेवल की बात कर लूं, चाहे मैं मिडिल लेवल की बात कर लूं, चाहे मैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, सारे के सारे कस्टमर के लिए ही टिके हुए हैं, सब कस्टमर के लिए ही काम कर रहे हैं। बट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, जहां पे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आते हैं, ये कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। एंड दीज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा बिजनेस लेवल मैनेजर्स कहेंगे वैसा फंक्शनल लेवल मैनेजर्स काम करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है कि मिडिल मैनेजमेंट हु हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजी इनटू रियल टाइम ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज स्वास्थ्य अप्रोच टू प्रिमाइज कंट्रोल। क्या मतलब है प्रिमाइज कंट्रोल का? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट नहीं करती है। मैं लिखकर दिखा देता हूं, रुको। दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले एनालिसिस करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, फिर वो स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करेगी। और हम जानते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अब दिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर कैटेगराइज इन 2 टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में आप कॉस्मिक एनालिसिस करते हो, मैक्रो में आप पेस्टल एनालिसिस करते हो। हम जानते हैं एनवायरनमेंट जो है वो हाईली डायनामिक होता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपोज टू मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल रिस्क। इसे काउंटर करने के लिए आपको कोई ना कोई कंट्रोल्स का दरकार है, उसी का नाम होता है आपका प्रिमाइज कंट्रोल। क्या यह समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सवालों को चलो फिर से रीड करें। कहा गया, अच्छा यहां पे। सो हाउ डज स्वास्थ्य अप्रोच टू प्रिमाइज कंट्रोल इंक्लूडिंग स्ट्रिंजेंट हाइजीन प्रोटोकॉल एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस कंट्रीब्यूट टू देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड विच कंसेप्ट डज इट अलाइन विथ। क्या ये रेड्यूस करता है इमीडिएट कॉस्ट एंड अलाइन विथ स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट? जी नहीं। इट सेफगार्ड्स क्वालिटी एंड अलाइंस विथ स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट एनहेंसेस इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड अलाइंस विद स्ट्रेटेजिक वैल्यू। रॉन्ग आंसर है। इट स्ट्रीमलाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड अलाइंस विद वैल्यू चेन एनालिसिस। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने कंप्लीट कर लिया। Now we are starting with question number 2. देखो, ABC Foundation एक ऐसी दुनिया विजुअलाइज कर रहा है जहां पे हर एक इंडिविजुअल को क्वालिटी एडुकेशन मिले और पूरी दुनिया से इलिटरेसी इरेडिकेट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, जिसके लिए दे आर कमिटेड टू establish 1000 लर्निंग सेंटर्स with a टारगेट टू रीच 1 million लर्नर्स इन द नेक्स्ट 5 years. ये है कंपनी का विजन। सिंस हम ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है, हम उसे विजन कहते हैं। अब जहां पे वो पहुंचने की सोच रही है, उसके लिए प्रेजेंटली अभी वो क्या कर रही है, ये कहलाया जाता है मिशन। एंड विजन एंड मिशन के बीच में जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो बन जाते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। So their core values emphasize equality, empowerment and knowledge sharing. What represents the fundamental purpose and long-term aspirations of ABC Foundation? तो correct answer है vision, ठीक है? कनिका,
इंटेंस ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपटीशन होते हुए भी उसने अपना एक लिपस्टिक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है कलर। कुछ खास मार्केट स्टडी मार्केट रिसर्च नहीं किया उसने, लेकिन क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया में 45 मिलियन फॉलोअर्स है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका प्रोडक्ट चल पड़ा। कौन सा एस्पेक्ट ऑफ माइकल पॉटर फोर्स मल्टीप्लायर इज वर्किंग इन फेवर ऑफ कलर? तो हम जानते हैं एज पर माइकल पॉटर देयर आर फाइव फोर्सेस। पहला होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस में आता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या सवाल में कहीं पर भी बायर और सप्लायर का जिक्र किया गया है? जी नहीं, तो ऑप्शन सी और डी भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। मुकुल फेस कर रहा है इंटेंस कंपटीशन इन एन अनडिफ्रेंशिएटेड इंडस्ट्री, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, कुछ भी अनडिफ्रेंशिएटेड होना मतलब ये हो गया जेनरिक है, मतलब है वो स्टैंडर्डाइज्ड। टू एड्रेस दिस ही अडॉप्टेड फॉर कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कॉस्ट लीडरशिप का बात किया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी आप तब अडॉप्ट करते हो जब आप उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो जो रिलेटिवली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विथ लोअर प्राइसिंग, ठीक है। अमंग द फैक्टर्स दैट आर गिवन टू यू, कौन सा वो एक फैक्टर है जो पोज करता है रिस्क टू मुकुल्स कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी? तो देखो, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहती है या फिर कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें ये छह काम करना पड़ेगा। सबसे पहला, आप फोरकास्ट करो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रॉम्प्टली, इन्वेस्ट करो इन कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स एंड ट्राई यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट वर्किंग, रेजिस्ट टू डिफ्रेंसिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू लो कॉस्ट पर यूनिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीड्स टू लो कॉस्ट पर यूनिट, एंड फाइनली अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करो। नाउ वी आर गिवन विथ फोर पॉइंट्स, जिसमें से तीन फैक्टर्स ऐसे होंगे जिससे कॉस्ट कटिंग होता है। We are required to identify one that factor जो पोस्ट करता है risk to Mukul's cost cutting strategy. तो if you are forecasting the demand for the product or service, आप cost cutting कर रहे हो। If you are investing in cost saving techniques and try using advanced technologies for smart and efficient working, तो यहां पे भी आप cost cutting कर रहे हो। You need to resist to differentiation till it becomes essential. क्योंकि कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा एफर्ट और अच्छा खासा पैसा लगता है। तो अगर आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन से दूर भागो। यू नीड टू रेसिस्ट टू डिफ्रेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल। तो करेक्ट आंसर क्या है? द फैक्टर विच कुड पोज अ रिस्क टू मुकुल्स कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी इज पॉइंट नंबर सी, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। कुंटिक ऑपरेट्स करता है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में और इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मार्केट में। दे हैव आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी जहां पे ये एक्वायर करेंगे एक स्मॉलर कंपनी को टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग।
विच क्वाड्रेंट ऑफ मेंडेलोज मैट्रिक्स वुड द सीईओ ऑफ स्मॉलर कंपनी फॉल इनटू? देखिए, मेंडेलोज मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है जिसके एक्स एक्सिस में लो एंड हाई इंटरेस्ट आता है एंड वाई एक्सिस में लो एंड हाई पावर आता है। इसको यूज करके चार क्वाड्रेंट बनते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ का पावर जबरदस्त होता है एंड उनका इंटरेस्ट भी हाई होता है। नाउ सिंस मेंडेलोव मैट्रिक्स कैटेगोरिकली मेंशंस कि इन स्टेक होल्डर्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा क्लोजली, दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, सो दे आर की प्लेयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर सीईओ का बात हो रहा है। अब चाहे सीईओ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या फिर शेयर होल्डर्स हो, अकॉर्डिंग टू मेंडेलोज मैट्रिक्स दे आर की प्लेयर who are required to be managed closely, they are involved in strategic decision making. Clear hua? Achha. Now question number 6. Kaun sa wo organizational structure hai? Hum jante hai simple, functional, divisional, multi-divisional, strategic business unit, matrix, network, hourglass. Ye 8 organizational structures humare dimaag mein baithe hai. Is best suited for house of Jenny's strategic need for dynamic allocation of resources, ensuring each project, जैसे project word देख लिया मतलब matrix structure, and department is mentored, monitored and maximized via multiple leaders, 100% matrix structure ही है। अब तो कोई doubt ही नहीं है। Since under this structure एम्प्लॉइज के दो सुपीरियर्स होते हैं, पहला प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा फंक्शनल मैनेजर, तो क्या मल्टीपल लीडर्स है कि नहीं? तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पर मल्टीपल लीडर्स है, जहां पर हर एक प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट को मेंटर्ड, मॉनिटर्ड एंड मैक्सिमाइज होता है। तो करेक्ट आंसर है बी। तो यहां हमने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये तो और इजी है। एबीसी फार्मास्यूटिकल एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है बताओ? इट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के चार कॉम्पोनेंट होते हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और आखिरी होता है आपका वैल्यूज। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल वॉन्ट्स टू डिफाइन द कंपनी फ्यूचर डायरेक्शन, मतलब विजन का बात किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। देयर एम इज टू क्रिएट अ विजन दैट सेट्स the organization apart and provides a roadmap for future growth. मतलब ये ऐसा vision statement बनाना चाहते हैं जो इनको बाकियों से एकदम अलग कर दे और साथ ही साथ एक roadmap दिखा दे कि आगे आने वाले सालों में इन्हें क्या करना है। तो क्या vision statement है इनका? It aspires to enrich the lives of people by producing high quality pharmaceutical products at competitive prices and wants to become the world's leading pharmaceutical company by 2030. Based on this context, draft karo ek vision statement and mission statement that could be formulated by the top management of ABC Pharmaceuticals. To humse kya pucha ja raha hai? एक मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है।
अब आंसर रीड करते हैं। आप लोग डायरेक्टली विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट मत करिएगा, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय विजन। तो हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है उसे विजन कहते हैं। इसी बात को थोड़ा अंग्रेजी में बोल दो, वेयर व्हाट ब्लूप्रिंट सबसिस्टम। तो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू लैंड, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजिशन एंड एवरी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। तो यहां पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने मेंशन कर दिया, अब आप ड्राफ्ट कर दो मिशन स्टेट विजन स्टेटमेंट को, कॉपी पेस्ट मारना है। टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन द फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एनरिचिंग द लाइफ ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाई प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसे फिर से मेरे साथ याद करो, वेयर व्हाट ब्लूप्रिंट सबसिस्टम, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू लैंड, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजिशन एंड एवरी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। ठीक है, अच्छा विजन के रिगार्ड में हमें जितनी बातें बतानी थी हमने सब कुछ सीख लिए। अब हमें मिशन स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट करना है, तो पहले इसका भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए विजन मतलब होता है कंपनी कहां पे पहुंचना चाहती है, मिशन क्या हो गया, जहां पे आप पहुंचने की सोच रहे हो उसके लिए प्रेजेंटली अभी आप क्या कर रहे हो, यह कहलाया जाता है मिशन। तो इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंटली अभी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज एक्टिविटीज कस्टमर फोकस एंड बिजनेस मेकअप। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। मिशन स्टेटमेंट डिलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। कोई भी मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आपको तीन बातें समझ में आ जाएगी कि फर्म का बिजनेस क्या है, उनके गोल्स क्या है और कैसे उस गोल्स को वो रीच करेंगे। तो यही तीन पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, मेरे साथ साथ बोलो। कोई भी मिशन स्टेटमेंट पढ़ के तीन बातें समझ में आ जाती है, फर्म का बिजनेस क्या है, उसका गोल क्या है एंड वेज टू रीच द गोल्स। ठीक है, फिर इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एक्टिविटीज बिजनेस मेकअप एंड कस्टमर फोकस। अब ये चार वर्ड हमें कैसे याद होंगे, देखो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इतनी एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर सकता हूं, तो कैपेबिलिटी एक्टिविटी। बिना कस्टमर के कोई बिजनेस चल नहीं सकता, तो कस्टमर फोकस बिजनेस मेकअप। तो पूरा कंटेंट याद हुआ, फिर से बोलो, मिशन डिलिनिएट्स अ फर्म बिजनेस, फिर उसका गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एक्टिविटीज कस्टमर फोकस एंड बिजनेस मेकअप। अब एबीसी फार्मास्यूटिकल्स में आइडेंटिफाई मिशन इन द फॉलोइंग लाइन टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, कमिटेड टू प्रोड्यूस सेफ इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेडिसिन थ्रू इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, वी एम टू मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर एंड बिकम द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट लाइफ। ठीक है, तो आपको विजन के रिगार्ड में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले लिखकर आना है, फिर आप ड्राफ्ट करो विजन स्टेटमेंट। सिमिलरली मिशन के रिगार्ड में भी पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखो और उसके बाद आप मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करो और इसके लिमिटेशंस के बारे में भी हमें बताओ। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजेरियल प्रोसेस है। मैनेजेरियल प्रोसेस किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स है एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ DSCII, DSCII, वेयर डी स्टैंड फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स,
सी फॉर क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, देन आई मतलब हो गया इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी, एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेर एवर डीम्ड अप्रोप्रिएट. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ DSCII, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी, एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट वेर एवर डीम्ड अप्रोप्रिएट. इसके लिमिटेशन क्या है? तो चार पॉइंट है. कैसे याद किया था हमने क्लास में? देखो, एक्सपर्ट सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, बस. सिंस एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स आर इन्वॉल्व, तो ये लोग फोकट में तो आएंगे नहीं, पैसा लगेगा इन्हें बुलाने के लिए, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है. सोचने में समय लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया. हम क्या सोच रहे हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रेस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजी. और हम इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल चेंजेस आते ही रहते हैं. तो यही चार पॉइंट है. एम्प्लॉय इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, और कॉम्पिटिशन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म. फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में. रिया शर्मा एक कॉन्फेक्शनरी बिजनेस चलाती है जयपुर में. इनका सेंट्रल रीजन में अच्छा खासा मार्केट शेयर है, डिस्पाइट होल्डिंग अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इन द सेंट्रल रीजन. यह अब एक्सपीरियंस कर लिया लास्ट कुछ सालों से डिक्लाइनिंग सेल्स, इसीलिए रिया एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास कंसल्टिंग एडवाइस लेने के लिए गई. तो कंसल्टेंट ने रिकमेंड किया अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप. तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय रिया शर्मा टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप. तो इसमें कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स है. सबसे पहला, आप अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमाइन करके फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर. तो स्टेप वन इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, स्टेप टू है उन्हें अंडरस्टैंड करो, फिर उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करो, वीकनेस को डिटरमाइन करो, एंड फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर. अब अगर आप ये हेड पॉइंट्स लिखकर आओगे और अंदर का जो ये कंटेंट है वो मन से लिख लेंगे तो जीरो मिलेगा, एकदम गारंटीड है. इंस्टीट्यूट इस टाइप के आंसर्स में एक्सपेक्ट करता है कि हेड पॉइंट प्लस अंदर का जो कंटेंट है एकदम रट्टा होना चाहिए, तभी आपको 5/5 मिलेगा. तो आइए इसे याद करें. पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. दिस आंसर्स द क्वेश्चंस हु आर द कॉम्पिटिटर्स, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो. दिस आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास 5 सोर्सेज है. 2 तो रिपोर्ट होते हैं, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, दूसरा इंडस्ट्री रिपोर्ट. अब मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन किया, फिर मैं सोशल मीडिया फेसबुक में गया और मैंने न्यूज पढ़ लिया. तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, पूरा रट्टा लगाना पड़ेगा आपको. तो स्टेप वन और स्टेप टू हो चुका समाप्त. तो स्टेप वन क्या? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, दिस आंसर्स द क्वेश्चंस हु आर द कॉम्पिटिटर्स, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो. दिस आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब मैं अपने कॉम्पिटिटर की अंडरस्टैंडिंग कैसे लूं? तो 5 सोर्सेज है, 2 रिपोर्ट है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट. अब मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन किया, फिर मैं सोशल मीडिया फेसबुक में गया और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया. तीसरा स्टेप क्या है? उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करो. तो यहां पर 7 पॉइंट है जिसके कीवर्ड्स क्या है? स्ट्रेंथ, डू दे डू, डू दे एचआरएस एफपी सीपीडीएन, स्ट्रेंथ, डू दे डू, डू दे एचआरएस एफपी सीपीडीएन. स्ट्रेंथ से आपको याद आना चाहिए व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. व्हाट डू दे डू? वेल, डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट्स. फिर एचआरएस से ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ,
एफपी से फाइनेंशियल पोजीशन, सीपी से कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, एंड डीएम से हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो हमने तीन स्टेप कंप्लीट कर लिए मेरे साथ, तीनों के तीनों स्टेप फिर से बोलो। स्टेप वन इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, दिस आंसर्स द क्वेश्चन हु आर माई कॉम्पिटिटर्स, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो, दिस आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अपने कॉम्पिटिटर्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पांच सोर्सेज होते हैं, जिसमें दो रिपोर्ट है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट। अब मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन किया, सोशल मीडिया फेसबुक में गया और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। फिर उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करो, तो सात पॉइंट है स्ट्रेंथ, डू दे एचआरएस एफपी सीपी डीएम। तो स्ट्रेंथ से याद आ रहता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डू दे डू सो वेल, डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजिशन, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर स्टेप फोर हमसे कहता है कि अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को डिटरमाइन करो, दिस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर आर दे लैकिंग, एंड फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो यहां पर चार पॉइंट है। सबसे पहला, ऐसा कुछ है क्या जो मेरे राइवल्स मार्केट में ऑफर नहीं कर रहे, तो मुझे गैप दिख गया मार्केट में, तो क्या मैं उस गैप को फिल कर सकता हूं, नॉट ऑफरिंग फिल द गैप। फिर इंप्रूवमेंट्स एंड वीकनेस, व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, एंड हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज हमने अभी रटा है, क्या मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं? स्टेप वन है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, दिस आंसर द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर्स, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो, दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब अपने कॉम्पिटिटर की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमारे पास पांच सोर्सेज है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट, देन अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करके मैं सोशल मीडिया फेसबुक में गया और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। फिर उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करो, तो सात पॉइंट है स्ट्रेंथ, डू दे एचआरएस एफपी सीपी डीएम, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डू दे डू सो वेल, डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजिशन, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर उनकी वीकनेस को डिटरमाइन करो, दिस आंसर द क्वेश्चन वेयर आर दे लैकिंग, एंड फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो यहां पर चार पॉइंट है, ऐसा कुछ है क्या जो मेरे राइवल्स मार्केट में ऑफर नहीं कर रहे, तो क्या मैं उस गैप को फिल कर सकता हूं, फिर इंप्रूवमेंट एंड वीकनेस, तो व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, एंड हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस कर्व का कंसेप्ट के बारे में, थोड़ा हमें थोड़ा बताइए एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, ये कंसेप्ट हमसे क्या कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन के काम को रेपिटेटिवली करते चले जाओगे, तो विथ एवरी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप काम करने के तरीके को सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, लर्न करते हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिल रहा है, इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ की बैरियर फॉर एनी न्यू एंट्रेंट। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, पहला प्रोडक्ट रीडिजाइन, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और तीसरा है आपका लर्निंग इफेक्ट, यही है। तो देखिए, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज्ड फॉर अप्लाइंग पोर्टफोलियो अप्रोच। ये कंसेप्ट सिमिलर है टू लर्निंग कर्व, चाहे मैं एक्सपीरियंस कर्व कहूं चाहे मैं लर्निंग कर्व कहूं, एक ही बात है। विच एक्सप्लेन्स कि वर्कर्स एफिशिएंसी गेन करते हैं थ्रू रेपिटेटिव वर्क। अगर वर्कर लोग प्रोडक्शन के काम को रेपिटेटिवली करते चले जाएंगे, तो वो काम करने के तरीके को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कहां पर मेरा रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे नया नया यूनिट बनते जा रहा है, कॉस्ट पर यूनिट गिरता चला जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेनन दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फर्म एक्युमुलेट्स एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट इंजॉय कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ की बैरियर टू एंट्री। यही आपको एग्जाम में लिखकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखो, एबीसी लिमिटेड एक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अभी तक जो भी प्रोडक्ट इनका मार्केट में है उसका प्राइस बहुत कम ही है, और जिस कारण आज ये लोग लीडर है मार्केट में, एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। करेंटली इनका मार्केट शेयर 35% का है। ये है स्टोरी का एक पार्ट। अब इसे रीड करो। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ने एक फॉर्मूला डेवलप किया है जिससे वो शुगर फ्री बेवरेजेस मैन्युफैक्चर कर सके। उसका सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल सब कुछ खत्म हो गया है और कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए परमिशन मिल गया है। द कंपनी इज पायनियर टू लॉन्च शुगर फ्री बेवरेजेस विच आर सोल्ड एट अ रिलेटिवली हायर प्राइसेस। क्या मतलब हुआ इसका? कि कंपनी अपने कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। अब जहां पर भी हमने देख लिया कि कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज किया जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जा रहा है। द न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर। दीज प्रोडक्ट्स प्रूव प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। आइडेंटिफाई करो कौन सी स्ट्रेटेजी कंपनी एबीसी लिमिटेड अडॉप्ट कर रहा है एंड मेंशन व्हाट मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू अचीव द एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजी। मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है यहां पे। पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दो और इसे आप कैसे अचीव करोगे। तो आइए इसे पूरा का पूरा याद करें। देखो, एबीसी लिमिटेड हैज अडॉप्टेड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू माइकल ई पॉटर। ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है थ्री डिफरेंट बेसिस से। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, और तीसरा होता है फोकस स्ट्रेटेजी। इस पर्टिकुलर सवाल में एबीसी लिमिटेड ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। किस लिए? सिंस द कंपनी हैज इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डेवलप अ फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्री बेवरेजेस टू गिव कस्टमर वैल्यू एंड क्वालिटी। ये लोग पायनियर्स हैं और सर्व कर रहे हैं स्पेसिफिक कस्टमर के नीड्स को दैट आर नॉट मेट बाय एनी कंपनी। मतलब हो गया इनका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, डिफरेंशिएटेड है। द न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर। डिफरेंशिएटेड एंड यूनिक शुगर फ्री बेवरेजेस एनेबल एबीसी लिमिटेड टू चार्ज रिलेटिवली हायर फ्रॉम इट फॉर इट प्रोडक्ट। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी ही ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसे अचीव कैसे करेंगे? तो पांच पॉइंट्स है। सबसे पहला, आप अपने प्रोडक्ट को रैपिडली इनोवेट करते चले जाओ। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, और हर इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को एलिवेट करो। तो पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू खत्म। अगर आप ऐसा करोगे तो ही यह कहा जाएगा दैट यू आर टेकिंग स्टेप टू इनहेंस योर ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। अगर आप कुछ भी डिफरेंशिएटेड दोगे तो पक्का बात है आप ज्यादा प्राइस चार्ज करो, बट कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी पर भी ध्यान रखना। तो फिक्स करो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बेस्ड ऑन यूनिक फीचर दैट यू आर प्रोवाइडिंग एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। और आखिरी पॉइंट क्या है? ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर बाय मैचिंग योर प्रोडक्ट विद द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट होना चाहिए एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मन से लिखकर आओगे अंडा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। नाउ देयर आर फोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट फर्म कैन यूज टू डिटरमाइन दोज केपेबिलिटीज
दैट आर नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी एक्सप्लेन करो. तो हम जानते हैं कोर कॉम्पिटेंसी आर सुपीरियर इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी स्किल्स नॉलेज टेक्निक फिजिकल ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस. अब चार क्राइटेरिया क्या है? रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, इनइमिटेबल होना चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए. चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो. ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अगर आपका कैपेबिलिटी वैल्यूएबल है तो उसे कोर कॉम्पिटेंसी कह देंगे. जी नहीं, वो कैपेबिलिटी वैल्यूएबल के साथ साथ, रेयर रेयर के साथ साथ, इनइमिटेबल और इनइमिटेबल के साथ साथ नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए. केवल हेड पॉइंट लिखकर आओगे आउट ऑफ फोर वन मिलेगा, अंदर का कंटेंट एकदम कॉपी पेस्ट होना चाहिए. वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती है जिसके दम पे मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसे आप अवेल कर पाओ, और अगर कोई थ्रेट है तो उसे आपको बचा भी लेगा. तो दीज आर द वंस दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और अवॉइड द थ्रेट्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. रेयर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर पोजेस दिस. इनइमिटेबल कैपेबिलिटीज वो होती है जिसे आसानी से डेवलप नहीं किया जा सकता. एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज आर दोस जिसका कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट नहीं है. तो ऑब्वियस सा बात है, ऐसी कैपेबिलिटी का स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा सवाल है ये. एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेटिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारा धंधा करते हैं लोग. दे हैव डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग अ लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन, अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अ मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिविजन एंड अ न्यूली स्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट. विच डिविजन ऑफ एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज स्टार इन बीसीजी ग्रोस शेयर मैट्रिक्स. आइए इसे थोड़ा डिस्कस करें. देखो, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है. जिसके एक्स एक्सिस में रिलेटिव मार्केट शेयर आता है. ये आपका हाई भी हो सकता है, ये आपका लो भी हो सकता है. वाई एक्सिस में मार्केट ग्रोथ रेट आता है, ये भी आपका हाई एंड लो हो सकता है. अब इनको यूज करके चार क्वाड्रेंट बनते हैं. पहला क्वेश्चन मार्क, इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन हाई मार्केट ग्रोथ रेट. दूसरा होता है स्टार, इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन हाई मार्केट ग्रोथ रेट. तीसरा होता है कैश काउ, इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन लो मार्केट ग्रोथ रेट. एंड डॉग रेफर्स टू बिजनेसेस विद लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन लो मार्केट ग्रोथ रेट. तो क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? लो रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट. दूसरा है स्टार क्वाड्रेंट, तो हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट. यहां पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो? री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. किस लिए? ताकि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो और इंक्रीज करे. फिर होता है कैश काउ, इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन लो मार्केट ग्रोथ रेट. एंड फाइनली है आपका डॉग, जहां पे आपके पास मार्केट शेयर भी नहीं है और मार्केट में ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है. फिर हम ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क रिजेंबल करता है इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से. स्टार रिजेंबल करता है विथ द ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कैश काउ रिजेंबल करता है विद द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एंड डॉग रिजेंबल विद द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, अब आइए इसे थोड़ा रीड करें. In BCG growth share matrix, divisions or business units are classified in four categories. Question mark, star, cash cow and dog. These classifications are based on
रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट, देखिए एक्स एक्सिस में रिलेटिव मार्केट शेयर था एंड मार्केट ग्रोथ रेट वाई एक्सिस में था, जिसको यूज करके चार क्वाड्रेंट्स हमने बना लिए। फिर हम ये जानते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स में जो स्टार क्वाड्रेंट है, इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई रिलेटिव मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ रेट। हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट है। इन द सिनेरियो द न्यूली एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट जो है वो आपका स्टार है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इज डिस्क्राइब्ड एज न्यूली एस्टैब्लिश, ये सजेस्ट करता है कि ये हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। एडिशनली द पोटेंशियल फॉर हाई मार्केट शेयर कैन बी इन्फर्ड इफ द यूनिट इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन टू बिकम अ लीडर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा हमने ये भी समझा था, एक सक्सेस सीक्वेंस होता है, एक डिजास्टर सीक्वेंस होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क से स्टार बनो और स्टार से कैश काउ बनो, देखो क्वेश्चन मार्क रिजेंबल करता है विद द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये रिजेंबल करता है विद द ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड कैश काउ रिजेंबल्स विद द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, तो यही आपका सक्सेस सीक्वेंस। लेकिन आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया नहीं चला तो आप क्वेश्चन मार्क से डायरेक्ट डॉग बन जाओगे, तो ये होता डिक्लाइनिंग स्टेज। तो आज अगर आप स्टार हो तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, कैश काउ, एंड कैश काउ रेफर्स टू बिजनेसेस विद लो रिलेटिव, कैश काउ रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन लो मार्केट ग्रोथ रेट, कैश काउ रिजेंबल करता है विद द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। समझ में आ रहा है, यही लिखा हुआ यहां पे कि स्टार्स टिपिकली रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हो जिससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो टू फ्यूएल देयर ग्रोथ, बट दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम फ्यूचर कैश काउ। क्वेश्चन आप स्टार बनते हो, स्टार से आप कैश काउ बनते हो, एंड कैश काउ रिजेंबल्स विद द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पूरा समझ में आया कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जस्टिफाई करो एक स्टेटमेंट को कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। देखो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, पहला होता है स्टेबिलिटी, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा रिट्रेंचमेंट और आखिरी होता है कॉम्बिनेशन। हमें स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के रिगार्ड में चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो क्योंकि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के बारे में सोचते हो, तो यह स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी कहलाया जाता है। यहां पर आप सेम बिजनेस में हो, सेम प्रोडक्ट में हो एंड सेम लेवल ऑफ एफर्ट दे रहे हो, तो क्या यहां पर आप कुछ भी नहीं करते हो क्या? इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, माइनर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट आर मेड, अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करते हो। सिंस सेम बिजनेस है तो इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस को आप चेंज कर दो ऐसा कोई बात नहीं है। इट डज नॉट वॉरेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि मेरा नया इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है तो रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका मॉडेस्ट हो जाएगा, तो ये सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। इसका पूरा का पूरा उल्टा होता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इट इज हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी एज इट ऑफर वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। यहां पर एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन है, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन है, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस है। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहां पर सेम बिजनेस था, सेम प्रोडक्ट था, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में नया बिजनेस है, नया प्रोडक्ट है, इट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगता है, देयरफॉर रिस्क हाई है, रिवॉर्ड हाई है, यहां पर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीटली मैनमाउथ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्रोथ स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। क्लियर हो गया? बस यही आपको लिख के आना एग्जाम में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यॉर्क इन्वेस्टर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंट ऑफ अलाइनिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, मैकेंजी 7S मॉडल, जिसमें तीन हार्ड एलिमेंट्स होते हैं और चार सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, हैज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। The company aims to enhance the skills and capabilities of its workforce through comprehensive training initiatives. Simultaneously, York Investors leverages
cutting edge technology to streamline its operations and improve overall efficiency. The investment in communication systems ensures karta hai seamless collaboration and information flow across various departments. Identify and explain McKinsey 7S model used by York investors to achieve its strategic objectives. देखो, हमने अच्छी तरीके से क्लास में इसे याद किया था कि McKinsey 7S मॉडल में तीन हार्ड एलिमेंट्स है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, और चार सॉफ्ट एलिमेंट्स है, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल। तो ये आप लोग लिखकर आ जाओगे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी कहा था मैंने इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि चेंज मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट आर सम ऑफ द की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंज इफेक्टिवली। तो पांच पॉइंट है यहां पे। सबसे पहला, आप स्पेसिफाई कर दो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा कम्युनिकेट करो, यू नीड टू बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, यू नीड टू बी रेडी फॉर चेंज। इंप्लीमेंट करो चेंजेस को ग्रेजुअली एंड ऑफर करो असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। तो नया टॉपिक था ये, मैंने मार्क कराया है इंपॉर्टेंट और देखिए आरटीपी में हिट भी कर गया। तो यहां हमने पूरा का पूरा आरटीपी का डिस्कशन हमारा समाप्त कर लिया। अच्छी तरीके से हर एक आंसर्स को फिर से पढ़ लेना, एक बार मेमोराइज कर लेना। आरटीपी नया सिलेबस का है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे इग्नोर मत करिएगा। थैंक यू।